म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा। A huge round of applause for the internationally acclaimed music director Padma Bhushan, A.R. Rahman Saab, और उनके साथ आ रहे हैं उनकी फिल्म 99 songs के lead actor, the very talented Rehan Bhatt. I want to wish the whole of India a very happy new year. You know, in South also we celebrate, North we celebrate, whole India celebrates a new year. Thank you so much, sir. इससे पहले कि आपसे आपकी फिल्म के बारे में हम जाने, मुझे एक चीज पूछनी थी, ऐसा कोई अवार्ड है जो आपने छोड़ा है? No, I think the best award is the love of people and people listening to my music, all my musicians, all my singers. रहमान सर की खुशी छुपाए नहीं छुप रही, देख रहे हो कितना स्टर्न फेस है रहमान सर, ये आपका प्राउड फेस है या ये ऐसा है कि मिका पाजी ने क्या किया? He rocked it, no? Just owned it in his own way. Thank you, sir. I've been seeing him all over the place. You know, he's the brother of my dear Dalir Paji. And then we met somewhere, right? We met at the award. Yeah, we met. And you know, my weakness, I don't know how to speak English. So I supposed to say on stage, I would like to work with Rahman sir. Maine ulta bola. This time, Rahman sir would love to work with me. But it was good. It was good. It was good. You told me what to do. No, sir. Thank you so much. Very, very beautiful texture, your voices. And even the song when we did, I think Aditya Chopra specially asked for. I didn't know her before. And I said, like, he's asking, and then I really started loving her voice. Thank you so much for letting me sing the song. You have no idea what this means. मुझे कॉल आया था एंड आई जस्ट गॉट ऑफ द बेड स्ट्रेट इन टू माई स्लीपर्स, ऑटो रिक्शा थी, आई जस्ट टुक दैट टू यशराज स्टूडियोज, द डोर ओपन्ड और ऐसा लगा कि मैं जन्नत में पहुँच गई हूँ, क्योंकि रहमान साहब थे, गुलजार साहब थे, यश जी भी थे, आई वॉज लॉस्ट. अमेजिंग एक्सपीरियंस. उन्होंने गाना दिया एंड गाना ख़त्म हुआ ना सर, आई फेल्ट दैट काम एंड ऑरा ऑफ यू एंड आई वॉक्ड होम फ्रॉम यशराज टू माई हाउस इन दैट zone that I worked with the A.R. Rahman. Rahman sir, एक इंसान है यहाँ पे जिनकी जिंदगी आपके एक गाने ने बदल दी, एंड दैट पर्सन इज मोहम्मद इरफान. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे हैदराबाद में मेरे गुरु जी को, रामाचारी सर, उनकी एक म्यूजिक अकेडमी है जिसमें मैं बचपन से सीखता आ रहा हूँ. उस अकेडमी में डॉक्टर एस पी बालसुब्रमण्यम साहब, जो हाल ही में उनका निधन हुआ है, ही वॉज अ मेंटर, अ गाइड टू ऑल द किड्स इन द एकेडमी. ही प्रॉमिस्ड मी कि वो मुझे एक दिन ए आर रहमान सर से मिलवाएंगे. सडनली मुझे एक दिन फ़ोन आता है, तो आपको चेन्नई जाना है और रहमान सर ने बुलाया है. तो आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज शॉक्ड. और पहला ही गाना रहमान सर के स्टूडियो में उनके सामने, आई वॉज एक्सट्रीमली नर्वस. पहले दिन मुझसे नहीं हुआ, मुझे लगा मैं गया, बट थैंक्स टू रहमान सर, ये उनका ग्रेटनेस है कि उन्होंने मुझे बोला कि डोंट वरी, रिलैक्स, यू कम टुमारो. आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू सर. आई थिंक गॉड ब्लेस एसपीबी जी. वन डे आई सॉ टेक्स्ट, दिस एसपीबी, आई वांट टू रेकमेंड अ सिंगर एंड हिज नेम वाज देयर, अ सिंगर सांग 40,000 सॉन्ग्स, इज रेकमेंडिंग अनदर सिंगर. सो फर्स्ट टाइम एवर ही डिड दैट, दैट्स इट. आफ्टर दैट आई डोंट थिंक हीज एवर रेकमेंडेड एनीबॉडी. वाओ. म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा.